हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्या हाल है अभी सबके? राइट, वेरी नाइस, वेरी नाइस। चलो आज हम लोग वेक्टर के नेक्स्ट टॉपिक की बातचीत करने वाले हैं, दैट इज यूनिट वेक्टर। मेरा नाम है गगनदीप सिंह, मैं हूं आप सबका मास्टर, और ये हम सबका बहुत ही खूबसूरत चैनल जिसका नाम है न्यूटन पाजी। लेट्स टॉक अबाउट यूनिट वेक्टर, है ना। हेडिंग डाल लेते हैं यूनिट वेक्टर। ऑल राइट, चलो सन्नाटो, ये बताओ कि यूनिट का मतलब क्या होता है? सर यूनिट तो वो नहीं होती जो हम लोग किसी मैग्नीट्यूड के पीछे लगाते हैं, जैसे 5 मीटर पर सेकंड, 10 केजी, हाँ केजी और मीटर पर सेकंड यूनिट हो गए। हाँ सर। अच्छा मैथमेटिकली बताओ यूनिट का मतलब क्या होता है? सर मैथमेटिकली यूनिट का मतलब होता है 1। क्या होता है? 1। तो जो यूनिट वेक्टर है, इट इज अ वेक्टर विद मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1। इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा? 1। लेकिन इसके पास कुछ डायरेक्शन होगी। क्या होगी? डायरेक्शन। अरे ये मेरा नाम लिख रखा है। ओह चलो, जब मार्कर चेक कर रहा था मैं। तो यूनिट वेक्टर क्या हुआ? ये वो वेक्टर हुआ जिसका मैग्नीट्यूड तो 1 है और इसके पास डायरेक्शन है। डायरेक्शन क्यों है? क्योंकि भाई साहब ये वेक्टर है, वेक्टर है तो डायरेक्शन होगी, मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड 1 है, इसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। चमका सन्नाटो, पक्का? ऑल राइट। मान लो कि मेरे पास कोई ए वेक्टर दे रखा है। हाँ सर, मुझे इसे यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करूं? देखते हैं सर, देखते हैं। क्या ए वेक्टर के पास कुछ मैग्नीट्यूड है? हाँ सर, मैग्नीट्यूड तो है। क्या इसके पास डायरेक्शन भी है? हाँ सर, डायरेक्शन भी है। मुझे मैग्नीट्यूड कितना चाहिए? 1। मान लो इसके पास 10 यूनिट का मैग्नीट्यूड होता, कितने यूनिट का? 10 का। तो अगर मैं इसको 10 से डिवाइड कर दूं, क्या इसका मैग्नीट्यूड 1 बन जाएगा? हाँ सर। तो ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर बनाने के लिए उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, तो इस पूरी क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा? 1। क्या आ जाएगा? 1। तो इसलिए ये बन जाएगा कि यूनिट वेक्टर। चमका सन्नाटा। तो वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड विल बी यूनिट वेक्टर। इसको लिखने का तरीका है कैप। क्या? क्या सर? क्या? कैप। ए के ऊपर टोपी लगा हुआ एक कैप। दिस इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिट वेक्टर। सो आई कैन से इट इज अ यूनिट वेक्टर। इट इज अ यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर। ये ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर बन गया। कौन? ए कैप। कैसे बनाया? ए वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। चमका सन्नाटो, बहुत इंपॉर्टेंट बात कि अगर हम लोग एक वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें, तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड पूरे ओवरऑल क्या रहेगा? 1। तो यूनिट वेक्टर बन जाएगा। चमका सन्नाटो। और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्या मैं ए वेक्टर को मॉड ऑफ ए इंटू ए कैप लिख सकता हूं? हाँ सर, क्रॉस मल्टीप्लाई तो किया है। ये देखो वेक्टर में क्या होता है? मैग्नीट्यूड, ये रहा, और क्या होता है? डायरेक्शन, ये रही। ए कैप तुम्हें डायरेक्शन देता है और इसका मैग्नीट्यूड तो 1 है। ये जिसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाए कुछ फर्क नहीं आने वाला। चमका सन्नाटो। तो ये छोटी सी कहानी हुई यूनिट वेक्टर की। कैसे बनाया यूनिट वेक्टर? वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया तो बन गया यूनिट वेक्टर, है ना। बहुत बढ़िया, शानदार। अच्छा तुमने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं कि हम लोग किसी भी कोऑर्डिनेट को डिफाइन करने के लिए 3 डायरेक्शंस का यूज करते हैं, एक्स, वाई और जेड। हाँ कि ना? हाँ सर, कहीं ना कहीं तो पढ़ा है हमने। पढ़ा है सर, पढ़ा है। तो एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन, क्या हमें डायरेक्शन को रिप्रेजेंटेशन देनी है? हाँ सर। कौन सी डायरेक्शन को? सर एक्स को भी, वाई को भी और जेड को भी। तो मैथ्स में, किसमें? मैथ में कहा गया कि यूनिट वेक्टर इन प्लस एक्स एक्सिस तुम आई कैप मानोगे। हाँ, ये रिप्रेजेंटेशन है, इसी तरीके से चलना पड़ेगा अपने को। एक्स डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आई कैप माना जाएगा। क्या माना जाएगा? आई कैप। एग्जाम्पल देता हूं। मान लो कि कहीं पे लिख दिया f वेक्टर इज इक्वल टू 10 i कैप न्यूटन।
मतलब तुम्हारी फोर्स 10 न्यूटन की है, किस डायरेक्शन में? आई कैप की डायरेक्शन में। और आई कैप की डायरेक्शन कौन सी है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इसका मतलब ये फोर्स कुछ इस तरीके से 10 न्यूटन की राइट एक्सिस में, एक्स एक्सिस में रिप्रेजेंट होगी। मैग्नीट्यूड 10 और डायरेक्शन आई कैप की डायरेक्शन। आई कैप की डायरेक्शन कौन सी है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस। चमका, ये स्टैंडर्ड है। हम लोग एक्स में आई कैप लेंगे। यूनिट वेक्टर इन प्लस वाई एक्सिस इज जे कैप। क्या लेंगे? जे कैप। जे फॉर जग सर अंग्रेजी। और प्लस जेड एक्सिस में क्या लेंगे? के कैप। के फॉर काइट। क्या लेंगे? के कैप। चमका, पक्का? देख लो, अगर मान लो कहीं पे लिखा हुआ है एफ वेक्टर इज इक्वल टू 15 के कैप, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब फोर्स जेड डायरेक्शन में 15 न्यूटन की। अगर तुम इधर एक्स मान रहे हो, इधर तुम वाई मान रहे हो और बाहर की ओर मान रहे हो जेड, ऐसे तो फोर्स तुम्हारी ऐसे लग रही है कितने न्यूटन की? 15 न्यूटन की। ये मतलब हुआ इसका। चमका सन्नाटो। सो यूनिट वेक्टर किस लिए लिया जाता है? डायरेक्शन के लिए। मैग्नीट्यूड तो उसका 1 होता है, वो जिसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाए मैग्नीट्यूड में उसके कोई फर्क नहीं देगा, लेकिन डायरेक्शन दे देगा। जैसे यहां पे 15 न्यूटन की फोर्स को उसने डायरेक्शन प्रोवाइड कर दी, 10 न्यूटन की फोर्स को उसने डायरेक्शन प्रोवाइड कर दी। चमका सन्नाटो, पक्का? ओके, छाप दो। यूनिट वेक्टर की छोटी सी कहानी है, बस मिटा दो। ओके, सुनना, अपने को पढ़ना है कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। क्या पढ़ना है? कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। तो हेडिंग डालो कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। अच्छा सन्नाटो, तुमने अंग्रेजी पढ़ी है? सर लगता तो हमें भी है कि हमें पढ़ी है, पर जब से फिजिक्स में क्वेश्चन आने लगे हैं धुंधला धुंधला नजर आता अंग्रेजी में। अच्छा, कंपोनेंट्स का मतलब क्या होता है? सर कंपोनेंट का मतलब होता है पार्ट्स। क्या मतलब होता है? पार्ट्स। तो क्या हम वेक्टर के कुछ पार्ट्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं? हाँ सर, मतलब हम वेक्टर को तोड़ेंगे, उसके पार्ट्स के बारे में बातचीत करेंगे। तो क्या पढ़ने वाले हैं हम? पार्ट्स ऑफ अ वेक्टर। छोटा सा तुम्हें एक रिडल देता हूं, रिडल। हाँ, अंग्रेजी में मैंने सीखा रिडल, पहेली। रिडल ये है कि तुम्हें जाना है ए पॉइंट से बी पॉइंट, आधी जनता तो पहुंच भी होगी। सर इसमें क्या? यहां से उड़ो, यहां पहुंच जाओ, पहुंच गए। लेकिन सुनो सन्नाटो, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। तुमने यूज करना है पी वेक्टर का या फिर क्यू वेक्टर का। सिर्फ इनका यूज करते हुए, क्यू बड़ा ही ले लेते हैं, सिर्फ इनका यूज करते हुए तुमने ए से बी जाना है। अच्छा सर, अच्छा अच्छा अच्छा, चलो चल के देखते हैं। सिर्फ इन्हीं का यूज करना है, इतनी ही लेंथ चाहिए तुम्हें पी वेक्टर की और इतनी ही लेंथ चाहिए तुम्हें क्यू वेक्टर की। इन्हीं का, दोनों का यूज करते हुए तुमने बी पॉइंट पर पहुंचना है। तो कोशिश शुरू कर दी होगी कई बच्चों ने, उन्हें सोचा होगा ये लो सर पी वेक्टर चले गए, उसके बाद एक क्यू वेक्टर चले गए, फिर एक पी वेक्टर चले गए, टेढ़ा हो गया सर पी, लो सर ये पी वेक्टर चले गए, फिर उसके बाद क्यू वेक्टर चले गए, हाँ सर बी पे तो पहुंच ही नहीं पाए, हाँ सर गड़बड़ हो गई इसमें। ऐसे करो, पहले क्यू चलो सर, मजा आएगा। चलो मैं दोबारा बना लेता हूं पॉइंट्स। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, पहले क्यू चलते हैं, देखते हैं भाई, देखते हैं। लो पहले चल दिया क्यू सर, अब पी चलो, लो फिर चलो क्यू, लो भाई अब चलो पी, लो भाई नहीं पहुंचे, अभी भी गड़बड़ है, नहीं पहुंच पाए। सर ऐसे तो कभी पहुंचेंगे ही नहीं। सुनो मेरी बात, मैं क्या करता हूं, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी। अरे सन्नाटो, तुम्हें ये तो समझ में आया ना कि ऐसे यूज करके हम बी पर पहुंच नहीं पाए। हाँ हो सकता है कभी कभी अपना बी यहां पे होता तो पहुंच जाते, लेकिन अगर बी थोड़ा बहुत इधर उधर है तो हम नहीं पहुंच पा रहे हैं। समझ में आई इतनी कहानी? हाँ सर समझ में तो आई। फिर ए से बी पहुंचा कैसे जाए? क्या करो, तुम क्यू की डायरेक्शन में डॉट 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 लाइन बना लो ऐसे, देखो मजा आएगा। ये लो क्यू की डायरेक्शन में मैंने डॉट 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 लाइन बना ली,
और पी की डायरेक्शन में भी बना लो, ऐसे ए से शुरू होते हैं वो पी की डायरेक्शन में बना लो। लो भाई पी की डायरेक्शन में भी बना ली लाइन, डॉट 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 लाइन बना ली। अच्छा मैं कह रहा हूं कि ये तुम्हारा टी वेक्टर है। सर आप तो गलत कह रहे हो, टी वेक्टर तो इतना सा था, आपने तो उससे बड़ा बना दिया, ये पी वेक्टर थोड़ी ना, ये तो पी वेक्टर से बड़ा है। तो हमने वेक्टर की प्रॉपर्टीज में पढ़ रखा है कि अगर मैं किसी वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई कर दूं तो उसके मैग्नीट्यूड में फर्क आ जाता है। अगर वो स्केलर तुम्हारा नेगेटिव है तो डायरेक्शन भी उल्टी हो जाएगी, ये हमने पढ़ा था वेक्टर की प्रॉपर्टीज में। यहां मुझे डायरेक्शन सेम चाहिए तो मैं एक पॉजिटिव स्केलर मल्टीप्लाई कर देता हूं। कैसे? मान लो कि इसकी लंबाई डबल थी, इससे डबल थी, तो मैंने ए की वैल्यू 2 पुट कर देनी है। अरे मान लो कि ये पी वेक्टर से दुगनी लंबाई चाहिए मुझे, तो मैं ए की वैल्यू 2 पुट कर दूंगा, तो ये 2 पी वेक्टर बन जाएगा, तो ये जो वेक्टर चाहिए वो मेरे पास आ गया। अगर ये लंबाई 1.5 गुना थी तो मैं ए की वैल्यू 1.5 पुट कर दूंगा। हा कि ना? हाँ सर बिल्कुल सही कह रहे हो आप। अच्छा तो ये ए पी वेक्टर बन गया, मैं इस पॉइंट तक पहुंच गया। आगे ही कहानी सुनो, ये वाले वेक्टर को मैं क्यू वेक्टर कह देता हूं। सर इस बार फिर गलत हो गए आप, क्यू वेक्टर की लंबाई तो इतनी सी है, आपने तो उससे ज्यादा बड़ी बनाई है, तो करना क्या मेरे को, मैं कुछ स्केलर मल्टीप्लाई कर देता हूं। पहुंच गया बी पॉइंट पर। अरे पहुंचा कि नहीं पहुंचा? सन्नाटो, मैं पी वेक्टर की डायरेक्शन में चला, कुछ पी से ज्यादा चला होगा। अगर ये पी से छोटा चलना होता मेरे को तो ए की वैल्यू 1 से छोटी आ जाती, ए की वैल्यू 0.5, 0.6 कुछ इस तरीके की आती। हाँ कि ना? तो ऐसे में पी वेक्टर की डायरेक्शन में चला, फिर मैं क्यू वेक्टर की डायरेक्शन में चला, ये मैंने एप्रोप्रिएट स्केलर्स मल्टीप्लाई कर रखे हैं। चमका सन्नाटो। और ये क्या है? ये है अपना ए बी वेक्टर। ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से क्या मैं ए बी वेक्टर को ए पी वेक्टर प्लस बी क्यू वेक्टर लिख सकता हूं क्या? हाँ सर लिख सकते हैं, हमने ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में पढ़ रखा है। हाँ कि ना? हाँ सर। सो इस रिजल्ट से हमें क्या पता चला? हमें पता चला कि ए बी वेक्टर के 2 कंपोनेंट हैं। कौन कौन से? एक पी वेक्टर और एक क्यू वेक्टर विद एप्रोप्रिएट स्केलर मल्टीपल। हाँ सर अंग्रेजी, सर लिखवा दो स्टेटमेंट में, तो लिखो अ वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज सम ऑफ 2 अदर वेक्टर्स मल्टीप्लाइड by appropriate real numbers, multiplied by appropriate real numbers। ये a और b real number है, समझ में आया? a vector can be represented as sum of 2 other vectors। a b vector को हमने p vector और q vector के sum में represent करा, multiplied by appropriate real numbers। ये दोनों ए और बी एप्रोप्रिएट रियल नंबर से मल्टीप्लाई होके बनेंगे। चमका सन्नाटो। एक कहानी और है कि ये तीनों वेक्टर कोप्लेनर होने चाहिए। अगर एक ही वेक्टर बाहर को हो गया प्लेन से तो कहानी बिगड़ जाएगी, तुम कभी बी पॉइंट पर पहुंचोगे नहीं। अगर तुम्हारा ए बी ऐसे हो तो तुम पी वेक्टर और क्यू वेक्टर का यूज करके पहुंच ही नहीं पाओगे। हाँ कि ना? सो ये भी लिखना कि ऑल should be coplanar, कि भाई साहब सब coplanar vectors होने चाहिए। इस कहानी से बस यही सार निकलता है, यही रिजल्ट निकलता है कि मैं किसी भी एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर्स के सम में रिप्रेजेंट कर सकता हूं, मल्टीप्लाइंग बाय एप्रोप्रिएट रियल नंबर्स, इट इज पॉसिबल, और सारे के सारे coplanar होने चाहिए। यहां ये सार निकल रहा है कि ए बी वेक्टर जो है वो पी वेक्टर और क्यू वेक्टर के सम में रिप्रेजेंट हो रहा है, मल्टीप्लाइंग बाय एप्रोप्रिएट रियल नंबर्स।
तो ये दोनों एपी वेक्टर और बीक्यू वेक्टर ए बी वेक्टर के कंपोनेंट्स हैं, ये दोनों इसके छोटे छोटे पार्ट्स हैं। इतनी बात समझ में आई? पक्का? छाप दिया? ऑल राइट, मिटा दूं? चलो अब हम लोग वेक्टर्स को तोड़ के देखते हैं कैसे। देखो इधर, रेजोल्यूशन इन टू डायमेंशन, टू डायमेंशन में रेजोल्यूशन की चर्चा करता हूं, सुनना मेरी बात। मान लो वाई डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन, दिस इज एक्स दिस इज वाई, ऐसे बनाते हैं ना, एक्स और वाई बनाया होगा मैथ्स में तुमने। मान लो कि ये अपना एक वेक्टर है, टेढ़ा बन गया क्या वेक्टर? हे भगवान, लाइन भी नहीं सीधी बन रही आज तो, क्या गर्मी ज्यादा पड़ रही है क्या आज? ये लो, ये ए वेक्टर है ना, क्या वेक्टर है? ए वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड मॉड ए लिख दिया मैंने, सही बात। इस एंगल को बोल दो थीटा। ओके, ऑल राइट, मुझे ओ से ए पॉइंट पर पहुंचना है, कहां पहुंचना है? ओ से ए पॉइंट पर, ठीक बात भाई, ठीक बात। मैं यहां से एक परपेंडिकुलर गिरा लेता हूं। अगर मैं ओ से पहले पी पॉइंट पर पहुंच जाऊं, इतनी दूरी ट्रेवल करके, मान लो कि मैं इस दूरी को ए एक्स बोल देता हूं, हाँ कि ना? हाँ सर, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। फिर मैं पी से ए पॉइंट चला जाता हूं, मान लो कि इस दूरी को ए वाई बोल दिया जाए, हाँ कि ना? इसका मतलब मैं ओ से ए जाने के लिए, यानी कि ए वेक्टर जाने के लिए, पहले मैंने एक्स एक्सिस का रास्ता लिया, पी पॉइंट पर पहुंचा, फिर मैंने पी से वाई एक्सिस का रास्ता लिया और ए पॉइंट पर पहुंच गया। इट मींस जो हमने अभी कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग मैं लिख सकता हूं कि ए वेक्टर इज इक्वल टू दिस वेक्टर, यानी कि ओ पी वेक्टर प्लस दिस वेक्टर, यानी कि पी ए वेक्टर, है ना? ये पॉइंट को मैं ए मान रहा हूं। अरे समझ में आया, ओ ए वेक्टर ले लिया इसको, चमका अभी। ओ ए वेक्टर इज इक्वल टू ओ पी वेक्टर प्लस पी ए वेक्टर, इतना चमका? पक्का? देख लो। ओके, क्या ओ ए वेक्टर को ए वेक्टर लिख रहे हैं हम लोग? हाँ सर, इसको तो ए वेक्टर ही बोला है। ओपी वेक्टर क्या होगा? सर ओपी वेक्टर में मैग्नीट्यूड तो हमने ए एक्स मान लिया और इसकी डायरेक्शन एक्स एक्सिस वाली डायरेक्शन है, तो आई कैप लगा दो। सर अभी अभी पढ़ के हटे यूनिट वेक्टर में कि आई कैप मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो अगर तुमने डायरेक्शन रिप्रेजेंट करनी है ओपी वेक्टर की तो आई कैप लगा दो, पता चल जाएगा कि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की बातचीत हो रही है। अच्छा, पी ए वेक्टर की चर्चा करनी है, पी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है? ए वाई। कितना है? ए वाई। और डायरेक्शन जे कैप लगा दो, सर कहानी खत्म हो जाएगी। हाँ कि ना? लगा दिया। देखो ए वेक्टर के दो कंपोनेंट हो गए सन्नाटो, एक कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में और एक कंपोनेंट वाई डायरेक्शन में। दिस इज द कंपोनेंट इन एक्स डायरेक्शन एंड दिस इज द कंपोनेंट इन वाई डायरेक्शन, चमका सन्नाटो? और ध्यान दो, तुम ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और ए एक्स में रिलेशन बताओ। सर कॉस थीटा इज इक्वल टू ए एक्स बाय मॉड ए, सर यही तो होता है फॉर्मूला। तो यहां से ए एक्स की वैल्यू क्या आई? मॉड ए कॉस थीटा। सिमिलरली ए वाई की वैल्यू क्या आएगी? मॉड ए साइन थीटा। आएगी कि नहीं आएगी? हाँ सर आएगी तो सही। ऐसे करो, यहां पे लगाओ थोड़ी पाइथागोरस। अगर तुम पाइथागोरस लगाओगे तुम्हें ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर ए दिखेगा, हाँ कि ना? सर दिख तो रहा है, चाहे तुम यहां से देख लो, ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर, ये बन जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये बनेगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, तो बचा क्या? ए। हाँ स्क्वायर बचा था सर, तो ऐसे करो इसके ऊपर रूट लगा दो, अब तो ए बन गया। हाँ सर अब सही है। अरे सन्नाटो पहले मैंने जानबूझकर स्क्वायर नहीं लिखा था, मैं देखना चाहता था कि तुम में से कितने लोग अटेंटिव हैं और मेरी गलती पकड़ पा रहे हैं। सर आप तो बहुत होशियार निकले। हम तो बचपन से होशियार हैं सन्नाटो, तुम्हें होशियार बनना है।
तो ये एक रिलेशन आया मेरे पास, आया कि नहीं आया? हाँ सर आया, ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर पूरे का रूट इज इक्वल टू ए, इसकी लंबाई आ जाएगी। यहां पे देखो, इसको यहां पे सोचो, तो क्या तुमने अगर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है तो क्या तुम अंडर रूट ऑफ आई के साथ जो लिखा है और फिर जे कैप के साथ जो लिखा है उसका एस स्क्वायर कर लोगे? हाँ सर, कह तो यही रहा है ये। ओके, इसका मतलब इफ वाई छोड़ो, पी ले लो, पी वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप, ऐसा दिया हुआ है। सर इसका मतलब समझाओ पहले, क्या दिया है? इसका मतलब ये है कि पी वेक्टर एक्स में 3 चलने के बाद और वाई में 4 चलने के बाद आता है, कि तुम पॉजिटिव एक्स में 3 चलो फिर पॉजिटिव वाई में 4 चलो तो तुम्हें पी वेक्टर मिल जाएगा। ये कह रहा है ये, एक्स में 3 चलो फिर वाई में 4 चलो तो तुम पी वेक्टर पहुंच जाओगे, ये तुम्हारा पी वेक्टर हो जाएगा। अगर तुमने मैग्नीट्यूड ऑफ पी देखना है तो कैसे देखते हैं? अंडर रूट ऑफ आई कैप के साथ जो लिखा हुआ है प्लस जे कैप के साथ जो लिखा हुआ है, ये 5 आ जाएगा। हाँ सर, वैसे ही पाइथागोरस लगा के भी आ रहा है, 4 square plus 3 square is 25, उसका रूट करेंगे 5 आ जाएगा, कहानी खत्म हो जाएगी। बस ये कंपोनेंट्स हैं, ये पी वेक्टर के कंपोनेंट है, एक्स में 3 और वाई में 4। और एचएम का कंपोनेंट्स की बात कर रहे थे, सो वी हैव रिजॉल्व्ड द कंपोनेंट्स इन 2 डायमेंशन, एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन की चर्चा करी। एग्जांपल ले लेता हूं छोटे छोटे, समझ में आ जाए कहानी, है ना? ओके, ऑलराइट, मान लो अपने को लिखा है पी वेक्टर इज इक्वल टू -3i कैप प्लस 6j कैप। इसका मतलब क्या होता है सर? क्या तुम -3 चल रहे हो एक्स में या फिर 3 चल रहे हो माइनस एक्स में? ये 3 into -i भी तो लिखा सकता है। हाँ सर, और -i का मतलब सर एक्स के नेगेटिव में, तो तुम 3 चले लेफ्ट में। हाँ सर, बात तो सही कह रहे हो। फिर प्लस 6, क्या तुम वाई में चले? हाँ सर, इसका मतलब ये तुम्हारा पी वेक्टर है जिसकी वो बातचीत कर रहा है, -x में 3 और +y में 6 चलने के बाद तुम यहां पर पहुंच जाते हो, तो ये तुम्हारा पी वेक्टर है। मैग्नीट्यूड निकालना बहुत आसान, अंडर रूट ऑफ 3 square plus 6 square कितना आ जाएगा? √45 आ जाएगा। ये मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू √45। अरे सही तो निकाला है। हाँ सही निकाला। बस ये रेजोल्यूशन है, ये पी वेक्टर का कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में इज -3 या फिर 3 in -x direction, एक ही बात है, और वाई डायरेक्शन में 6, कितना 6, समझ में आई बात? पक्का, बहुत बढ़िया। ठीक है सर, ये तो बात हुई 3D की, सॉरी 2D की, किसकी बात हुई? 2D की, 3D की बात करते हैं, छोटी सी कहानी और समझते हैं। कैसी कहानी समझते हैं? सुनना, एडिशन ऑफ वेक्टर यूजिंग कंपोनेंट्स, इसकी चर्चा करते हैं। एडिशन ऑफ वेक्टर्स यूजिंग कंपोनेंट्स, हमने एडिशन पहले पढ़ा था ना? हाँ सर, याद तो है, जब भारत पाकिस्तान एक होते थे उस वक्त आपने पढ़ाया था एडिशन ऑफ वेक्टर्स। सन्नाटो, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? एडिशन ऑफ वेक्टर नहीं पढ़ा बेटा, ये देखो वीडियो, एडिशन ऑफ वेक्टर की वीडियो देख लो। सन्नाटो, पहले पढ़ा था हमने पढ़ा था कि अगर 2 वेक्टर दे रखे हैं, उनका मैग्नीट्यूड दे रखा है, उनके बीच का एंगल दे रखा है, तो उनका जो एडिशन आता है उसका मैग्नीट्यूड आएगा अंडर रूट ऑफ a² + b² + 2ab cos θ। याद है, ऐसे कुछ करते थे ना हम लोग। ये करते ना, इसको बोलते थे हम लोग a वेक्टर + b वेक्टर, तो हम लोग उसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते और हम लोग उसकी डायरेक्शन निकाल देते थे। अभी अपने पास कंपोनेंट्स दिए हुए हैं, जैसे पहले इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड दिया होता था, कंपोनेंट नहीं दिए होते, उसको तोड़ के नहीं बताया जाता था। अभी मान लो कि अपने को कंपोनेंट दे रखे हैं, पी वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप + 4j कैप। सर आपको 3 और 4 से बहुत प्यार लगता है शायद? नहीं बेटा, ये देखो मैंने 1 और 1 भी लिखे। मान लो कि अपने पास 2 वेक्टर दे रखे हैं,
दोनों को कंपोनेंट्स में रिप्रेजेंट किया है, इसको भी एक्स और वाई कंपोनेंट, इसको भी एक्स और वाई कंपोनेंट में रिप्रेजेंट किया है। अपने को बताना है कि पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर क्या होगा। देखो बहुत आसान है, कितना आसान, बहुत आसान। क्या आसान है, गधे में गधा ऐड होता है और घोड़े में घोड़ा ऐड होता है, कहानी खत्म। अगर तुमने पी प्लस क्यू करना है तो इस गधे को इस गधे से ऐड कर दो, 3 + -1 = 2, और ये किसके कंपोनेंट थे, आई कैप चमका, और 4 को 1 से ऐड कर दो तो 5 जे कैप। लो कहानी हो गई खत्म। तो ये रहा तुम्हारा रिजल्टेंट वेक्टर, पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर। अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, अगर पी प्लस क्यू का मैग्नीट्यूड निकालना है, वो और भी आसान, अंडर रूट ऑफ आई के साथ क्या लिखा हुआ है 2, जे के साथ 5 इज इक्वल टू अंडर रूट 29, खत्म हो गया। अरे बहुत आसान है, कंपोनेंट के साथ वेक्टर एडिशन सब्सट्रैक्शन सबसे आसान है यार, करना क्या है, गधे में गधा और घोड़े में घोड़ा, कहानी समाप्त, है ना। और वहीं जो पी माइनस क्यू आ जाता हूं, क्या करते, 3 - -1, है ना, लिख ही देता हूं। अगर आ जाए पी माइनस क्यू वैक्टर तो ऐसे बोलते हम 3 - -1 i कैप + 4 - -1 j कैप, तो ये क्या बन जाता, 4 i कैप + 3 j कैप, ये बन जाता ना। हाँ सर, इसका मैग्नीट्यूड निकालना बहुत आसान है, अंडर रूट ऑफ 4² + 3² हाँ, बहुत आसान है यार, इसके क्या होता हूं, ये एडिशन सब्सट्रैक्शन यूजिंग कंपोनेंट्स, 2D की कहानी समाप्त हुई। देख लिया हमने कंपोनेंट्स का मतलब क्या होता है, तोड़ दो उसको एक्स डायरेक्शन में वाई डायरेक्शन में, कहानी समाप्त, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मिटा दूं और 3D की चर्चा करते हैं, देखना मजा आएगा 3D में, है ना। सुनो, हम कर रहे हैं रेजोल्यूशन इन 3D, समझना, 3D मतलब 3 डायमेंशन, हम लोग एक्स वाई जेड तीनों की चर्चा करेंगे। 3D में विजुलाइजेशन करना थोड़ा, है ना, इंपॉर्टेंट है। मान लो कि मैं राइट डायरेक्शन को एक्स डायरेक्शन मान रहा हूं, ऊपर को वाई मान रहा हूं, बाहर को जेड, ऊपर टेढ़ी हो क्या, सीधी करो इसको, ये रहो, बन गई सीधी वाई डायरेक्शन। जेड जो है, जेड वो बाहर की ओर है, पर रिप्रेजेंट मैं ऐसे कर लेता हूं, ये इसका मतलब ये नहीं है कि जेड टेढ़ी है, इसका मतलब ये बाहर आती हुई नजर आ रही है तुम्हें, हाँ नजर आनी चाहिए तुम्हें, सन्नाटो। मान लो कि ये अपना एक पी वेक्टर है, ये एक्स वाई में नहीं है, ये कुछ ऐसा है टेढ़ा, कुछ ऐसा है, ये ऐसा है ना। अब बनाने को तो मैं बोर्ड पे बनाऊंगा ना, हवा में कैसे बना दूं कि मार्कर से ऐसे मार दूं, ये देखो ये दिख रही होगी तुम्हें लाइन, ऐसे थोड़ा ना बना दूंगा, बनानी तो बोर्ड पे बनेगी। सुनना, क्या सुनोगे तुम, सुनना ये कि अगर मैं इसका एक कंपोनेंट लूं एक्स जेड प्लेन में, है ना, सुनना मैं क्या कह रहा हूं, अगर मैं एक्स जेड में एक कंपोनेंट लूं तो इसका कंपोनेंट, और 3D कुछ ऐसा आएगा, मैंने ऊपर से लाइट मारी तो इस वेक्टर की शैडो एक्स जेड प्लेन की जमीन पे कुछ ये दिख गई मेरे को, ये दिख गई, समझ में आया कुछ कुछ, ये 90 डिग्री है क्योंकि हमने ऊपर से शैडो गिराई है, है ना। कोशिश करना कि ये चमके, कोशिश करना, है ना, नहीं चमका तब भी कोई बड़ी बात नहीं है, 3D में है थोड़ा ओके। अब ये जो वेक्टर है इसके 2 कंपोनेंट आएंगे, सुनना मेरी बात, एक तुम्हारा कंपोनेंट होगा जेड में ये वाला, इसको मैं पी जेड बोल देता हूं, और ये होगा पी एक्स, तो ये तुम्हारा पाइथागोरस लगा के अंडर रूट ऑफ पी एक्स स्क्वायर प्लस पी जेड स्क्वायर आ जाएगा, ठीक। अरे ये लंबाई तुम्हारी पी जेड होगी ना, और ये जो तुम्हारा ट्राइंगल होगा ये वो भी राइट एंगल ट्राइंगल होगा, ये हाइपोटेन्यूज बनेगा, इसकी लंबाई इतनी आ जाएगी।
अब तुम ये वाला ट्रायंगल देखो, ये वाला, ये जो ऊपर को जा रहा है ये तो वाई डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये जो तुम्हारा कंपोनेंट है वो पी वाई है, ये वाला, तो इसकी लंबाई क्या आएगी, ये बेस, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूस, दिस विल बी अंडर रूट ऑफ दिस स्क्वायर, यानी कि पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर, सॉरी पी जेड स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, यानी कि पी वाई स्क्वायर। अगर विजुलाइज हो गया है तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं हुआ है तब भी बढ़िया, कोशिश करना हो जाएगा, है ना, सर्च करना कि रेजोल्यूशन इन 3D, तुम्हें एक डायग्राम देगा, वो डायग्राम से चमकेगा, है ना, थोड़ा विजुलाइजेशन अच्छा होना चाहिए तो ये 3D में अपना रेजोल्यूशन चमक जाता है। मैं बस कहना ये चाहता हूं, इसका सार, इसका रिजल्ट ये है कि अगर मान लो कि तुम्हें पी वेक्टर इज इक्वल टू 2i cap -3j cap + 4k cap दे रखा हो तो मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्या होगा, अंडर रूट ऑफ 2² + -3² + 4² इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4 + 9 + 16 इज इक्वल टू अंडर रूट 29। मैं ये कहना चाहता हूं बस कि जो अपना मैग्नीट्यूड होगा वेक्टर का वो अंडर रूट ऑफ दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर होगा। इतनी बात चमकी, पक्का देख लो, ऑल राइट, बहुत बढ़िया। मजा आया ना, पक्का मजा आया, बहुत सही। तो ये हमने 3D में रेजोल्यूशन कर लिया, हमने 3D में वेक्टर को तोड़ दिया, उसके तीन कंपोनेंट कर दिए, ये भी देख लिया कि एक्स डायरेक्शन में कितना है, वाई डायरेक्शन में कितना है और जेड डायरेक्शन में कितना है, है ना। ओके, अब हम कुछ कुछ क्वेश्चन करते हैं, मिटा दो इसको, बहुत बढ़िया, क्वेश्चन करते हैं, सुनना मेरी बात। मान लो दे रखा है ए वेक्टर इज इक्वल टू -i cap + j cap + k cap, ये दिया हुआ है। बी वेक्टर इज इक्वल टू 2i cap + 3j cap - 4k cap, ये दिया हुआ है। चलो बताओ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्या होगा। सर अभी अभी आपने सिखा दिया, बहुत सारे है, तो ऐड करना है, -1 + 2 = 1i cap + 3 + 1 = 4, तो 4j cap, -4 + 1 - 3 k cap, कहानी खत्म। ऑल राइट, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, अरे ये समझ में आया ना तुम्हें, गधे में गधा ऐड, घोड़े में घोड़ा ऐड, हाथी में हाथी ऐड, 2 + -1, ये -1 लिखा हुआ है ना, 3 + 1 - 4 + 1, अभी ए माइनस बी, दिस माइनस दिस, -1 - 2 - 3i cap + 1 - 3 - 2j cap + 1 - -4 + 5k cap, तो ये तुम्हारा आ गया ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ये आ गया तुम्हारा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अरे चमका सन्नाटो, पक्का देख लो, ऑल राइट। तो अब जब तुम्हें कंपोनेंट्स आई गए हैं लेने, तो ऐसे करो, मान लो कि ए वेक्टर इज इक्वल टू 3i cap + 4j cap दे रखा है ना, तुम एक कैप बताओ कितना होगा। अच्छा, इसका मतलब अपन को यूनिट वेक्टर बताना है कि कितना होगा, बात तो सही कह रहे हैं, यूनिट वेक्टर बताना है। सर यूनिट वेक्टर होता है वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, तो वेक्टर तो सर सीधा लिख दो 3i cap + 4j cap डिवाइड बाय, सर इसका मैग्नीट्यूड आएगा अंडर रूट ऑफ 3² + 4² ये कितना आएगा टोटल कुल मिला के 5, कितना आएगा 5, इट मींस इट इज 3/5i cap + 4/5j cap, बन गया तुम्हारा यूनिट वेक्टर, एक कैप बन गया सन्नाटो, एक कैप। अगर तुम इसका मैग्नीट्यूड देखोगे ना, अंडर रूट ऑफ 3/5² + 4/5² पूरे का अंडर रूट है, 5 आंसर, सॉरी एक आंसर आएगा, एक देख लो करके, अंडर रूट ऑफ 9/25 + 16/25 = 1, देखो इस पूरे का मैग्नीट्यूड 1 है, इसलिए ये एक है, यूनिट वेक्टर है। एक और दो, करोगे पक्का, यूनिट वेक्टर निकाल रहे हैं हम, और भी बड़ी बात नहीं है। मान लो कि ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i cap - j cap + 3k cap दे रखा है, बताओ एक कैप कितना होगा, सर वेक्टर लिख दो पहले तो, और डिवाइड बाय उसका मैग्नीट्यूड लिख दो, अंडर रूट ऑफ 2² + 1² + 3² सर ये आ गया 2i cap - j cap + 3k cap डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ
14 बन गया यूनिट वेक्टर। हाँ सर बहुत आसान है, यूनिट वेक्टर बनाना क्या ही बड़ी बात है, समझ में आया। तो हमने आज क्या पढ़ा, सबसे पहले यूनिट वेक्टर पढ़ा। यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। फिर हमने रेजोल्यूशन करा, पहले हमने रेजोल्यूशन करा 2D में कि हम लोग किसी भी एक वेक्टर को एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन या एक्स डायरेक्शन प्लस जेड डायरेक्शन या वाई डायरेक्शन प्लस जेड डायरेक्शन कोई भी दो डायरेक्शन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। मैग्नीट्यूड क्या होता, अंडर रूट ऑफ आई कैप के साथ जो लिखा हो उसका स्क्वायर प्लस जे कैप के साथ जो लिखा हो उसका स्क्वायर 2D में। फिर हमने 3D की चर्चा करी, 3D में तीनों आ जाएंगे, कहानी समाप्त हो जाएगी। फिर हमने यूनिट वेक्टर निकालना सीख लिया कि कैसे निकालते हैं, एडिशन ऑफ वेक्टर सीख लिया कंपोनेंट के साथ कैसे लेते हैं, और हमने मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर सीखना है। मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर जो होगा हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, तब तक के लिए तुम टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, सब्सक्राइब कर दो, नीचे घंटी बजा दो टन करके, और अपना इंस्टाग्राम का चैनल है वहां भी ज्वाइन हो जाओ। आई सी यू इन द नेक्स्ट क्लास विद मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स। टिल देन पढ़ाई करो, मजे भी करो, जिंदगी एंजॉय करो।